गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस आज हम आए हैं सिलेक्ट सिटी वॉक, जो कि बहुत ही बड़ा है। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ और बाबू को देखिए हमारे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो आगे आगे धीरे धीरे खेल रही है, घूम रही है। और पापा ही इनके बोले थे, पापा बोल रहे इनके कि जाओ मेरे बच्चे को अच्छे से थोड़ा गार्डन वगैरह घुमा दो, थोड़ा पार्क वगैरह घुमा दो। तो हमने बोला चलो बढ़िया है, घुमा देते हैं। और बाबू हमारी फिर से मम्मा को ढूंढ रही, मम्मा कहाँ है, कह रही हाँ देखो कैसे भाग रही है, भाग रही है, बहुत खुश है। तो गाइस हम ना अभी थोड़ा सा ऐसे बाबू को लेके घुमा देते हैं, फिर उसके बाद वो एक ट्रेन जा रही है तो ट्रेन में घुमाते हैं, फिर बाइक वगैरह ट्रेन वगैरह जितना हो सकेगा बच्चे को घुमा देंगे। क्या करें अकेले, एक नीचे वाली आंटी बोल रही थी ना, एक मिनट वो देखो भाग रही है, पकड़ लेने तो गिर जाएगी। तो गाइस यहाँ पे बाबू आके मेरी बहुत खुश है, बहुत खुश है। देखो मैं ना उसका हाथ पकड़ रही हूँ, बार बार वो छुड़ा दे रही है, रोने लग रही है। मतलब उसको यहाँ इतना अच्छा लग रहा है ना, सोच रही है कि हम अकेले चले, अकेले मतलब इतना बड़ा जगह स्पेस में खुश है इतना। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ आ गए, लेकिन हाँ बहुत खुश है। थोड़ा देख रही है ऐसे लोग, हेलो कर लो बेटू, हेलो कर लो इस्तेमाल कर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी भीड़ भी है और बच्चे खेल रहे हैं अपना। देख सकते हो उधर गाड़ी वाड़ी चल रही है बच्चों वाली, उधर देख सकते हो। तो चलो बाबू को भी थोड़ा बैठा देते हैं। नीचे वाली आंटी बोल रही थी ना, बेटा इधर आ जाओ। देखिए बिना ब्रेक का ये भागे जा रही है। तो नीचे वाली आंटी बोल रही थी हमारी सेकंड फ्लोर वाली कि बेटा तुम अकेले जा रही हो, साके चली जाओगी, पहुंच जाओगी, डर नहीं लगता। हम बोले किस चीज़ का डर, हम पहुंच जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसान पढ़ा लिखा हो ना कहीं भी चला जाएगा। और वैसे तो बोलिए कि हम लोग तो बहुत डरते हैं भाई, हमका क्यों डरती हैं, कह रही ऐसी नॉलेज नहीं है, हमका पढ़ी लिखी हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हैं, आ सकती हैं। तो उनकी लड़की बोली है भाभी आप सच में चल जाओगी? हम बोले हाँ, तुम नहीं जाती? कह रही हम तो चले जाते हैं हम भी। हम बोले तो अनपढ़ गवार समझी हो क्या, थोड़ी भाभी बोलती है तो हम ननद समझ के थोड़ा मजाक कर लेते हैं। बाबू आ जाओ, देखो इनका इधर, चलो इधर देखो हाथ छोड़ा रही है। तो चलो चलते हैं, कुछ खिला देते हैं बाबू को। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं अविका को जो है बाइक पे बैठा दी हूँ। अब अविका बाइक राइड करेगी और साथ में हम भी बैठ जाते हैं क्योंकि बच्चा है अभी नहीं संभल पाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो इसमें बैठाते हैं लेकिन वो अभी संभाल नहीं पाए। देखो खुश है एकदम बेटू। बाबू इधर देखो, हो गया वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, चलो नहीं वो हो गया, राइड कर ली। हाँ आ जाओ बेटा, आप ही क्या है ना, अलग अलग है। अच्छा अच्छा चलो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक साइड दूध रख दिया है और एक साइड चाय। तो गाइस गुड मॉर्निंग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कल गई थी मॉल बाबू को लेके घुमाने, तो वहाँ पे बाबू मेरे बहुत खुश थे। पतिदेव भी रात में आए, बोले यार बाबू तो मॉल में जाके बहुत खुश रहती है। बोले हाँ उसको वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम इनको बोले कि आप ना मेरे साथ डेली चला किया करो, मुझे वहाँ पे छोड़ दिया करो बस। तो ये बोलते हैं कि बहुत डर लगता है यार अकेले, हाँ तुमको मतलब डर मतलब इस बात का लगता है कि अकेले छोड़ दे, फिर उसके बाद बच्चा लेके आना जाना बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता होगा। हम कहा हाँ होता तो है, और मेहनत छोड़ो वो थोड़ा भाड़ा ज़्यादा लग जाता है। मतलब थोड़ा सा बाबू को घुमाने के लिए जाते हैं तो 150 लगभग लग जाते हैं। तो हमने इनको बोला हमका एक खुद का गाड़ी हो जाता कितना अच्छा रहता ना, चला के चले जाते फिर चला के घर आ जाते हैं। भाड़ा बच ओ ओ ओ, 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 ओ बच गया चाहे। और भैया लोग आए थे तो यहाँ पे सोए थे, देख सकते हो अभी बिस्तर फोल्ड करना है,
यहाँ पे सोए थे, और अभी बिस्तर फोल्ड कर देंगे। अभी एक लोग गए हैं नहाने और एक लोग गए हैं नीचे, तो हम कहा चलो चाय वाय तब से बना लेते हैं, फिर वो लोग नहा के आते हैं तब जाते हैं हम नहा के, हमें पूजा करना है, फिर नहा के हम भी आएंगे, फिर खाना वाना बनेगा। अभी तो चाय रखे हैं बनाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब गई ना कल बाबू के साथ, बहुत सारा रील्स वगैरह भी बनाया हमने, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों ये दोपहर का टाइम है और मैं जा रही हूँ आज मार्केट लाजपत नगर, क्योंकि यूवी भाई को भी कुछ काम था और मुझे भी है, तो पतिदेव को बोले चलने के लिए, बोले नहीं तुम यूवी के साथ चली जाओ, और मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मुझे ड्यूटी भी जाना है। तो बाबू भी है हमारे साथ, देखिए बाबू धीरे धीरे नीचे चल रही है, और मौसम ठंडा हो रखा है इसलिए दोपहर का टाइम में लग नहीं रहा है, दोपहर है, शाम का लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो चलिए देखते हैं लाजपत नगर से क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्या नहीं। पैसे तो उन्होंने ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ऑनलाइन है इसलिए वो जानते हैं कि मेरे पास पैसे हैं तो ऑनलाइन पे कर देगी ये, इसीलिए बस थोड़ा बहुत पैसे दिए हैं 1000 रुपये, बोले इतना ले लो, और पति देव के लिए भी कुछ लेंगे, वो मेरे लिए नहीं लेते हैं लेकिन मैं उनके लिए बराबर लेती हूँ। तो चलो गोद में ले लेते हैं, चल नहीं पा रही है बाबू, सब पर भी इतना चल कर आई है। हाँ ले रहे हैं बेटा, थोड़ा बहुत शॉपिंग थोड़ा बहुत शॉपिंग हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, और इधर हम लोगों ने राम लड्डू खाया है, इधर ये देखिए मोमो क्रिस्पी मंगा दिया है, कुरकुरे मोमो अपने लिए, बाबू के लिए, यूवी भाई के लिए, और कुछ खाओगे? आज इनका टिकट है, आज ही चले भी जाएंगे। अब बाबू हमारी वेटिंग में है कि हमको कब मिले मम्मा, कब दे, कब हम खाएं। आपके लिए पानी मंगाए बेटा, पानी स्पून नहीं, ऐसे ही खाना होगा मोमो। और थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, थोड़ा बहुत अभी चलते हैं, इनको जाना भी है तो बोल रहे भाभी चलना है, हमका थोड़ा बहुत देख ले मार्केट में और क्या मिल जाएगा, क्या नहीं। कोल्ड ड्रिंक ले, पानी पानी ले लेना, बाबू भी मिलेगी भैया। ये शाम का टाइम हो चुका है, गुड इवनिंग आप सभी को। बेटू नहीं गिर जाओगी, रिमोट दो बेटा, क्या देखी है पता नहीं, क्या देखती है ना, कुछ भी देखेगी, कीड़ा मकोड़ा तो देखो कैसे दिखा दूँ, क्या है बता दो, दिखा दो मेरे को भी, दिखा दो क्या है, कहाँ कहाँ पता नहीं क्या, कुछ कीड़ा वगैरह देखती है ना तो उसको चिल्लाने लगती है, ये करके चिल्लाती है। खा रही थी, यहाँ आए कुछ है नहीं, वैसे ही खेल रही है ये करके। एक तो कीड़ा अगर उड़ने लगेगा ना तो उसके पीछे पीछे ये भी दौड़ती है, और देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। ले लो खा लो, दो तो खाना बस, दो दो दो। तो गाइस एक मिनट रुक जाइए, मैं बाबू को थोड़ा कैल्शियम का दवा दे देती हूँ, दांत का कैल्शियम का दवा है, रुक जाओ। तो गाइस यूबी भाई का आज जो है टिकट था, और शाम के 8 बज रहे हैं और चले गए वो 1 घंटे पहले ही, तो मार्केट गए थे, मार्केट से जो सामान समझ में आया मैंने ले लिया, जैसे हमारे पास एक टॉवल नहीं था तो हमने कहा चलो टॉवल ले लेते हैं, और यूबी भाई को भी कुछ काम था तो हम कहा चल। गाइस मैंने जो भी शॉपिंग किया है मार्केट से, मैं सारा सब कुछ आपको दिखाऊंगी, मैंने क्या क्या लिया है बाबू के लिए, अपने लिए, और अपने घर के लिए क्या क्या सारा जो भी सामान लिया है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, क्योंकि ये वाला ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बाबू हमारी उसको थोड़ा सा दाल चावल दिए थे खिलाया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खाई, थोड़ा टीवी देखती है तो 2-3 चम्मच खा लेती है, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा खिला के अभी थोड़ा टीवी में बिजी है, और उधर टीवी चल रहा है इसलिए मैं इधर आके आप लोग को मतलब बता रही हूँ, बातें कर रही हूँ। हमका ब्लॉग बड़ा हो रहा है तो भैया एंड कर देते हैं, और यूवी भाई का कॉल आया था, यूवी भाई बोल रहे हैं, मैं उनको कॉल करने वाली थी उससे पहले उनका आ गया, हम बोले पहुँच गए, तो बोले कि हाँ भाभी अभी को जस्ट पहुँचे हैं, बोले चलो भीड़ भाड़ रहता है, थोड़ा ध्यान देना अपना क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, सब लोग अपने गांव जाते हैं, कोई गांव से तो शहर आएंगे नहीं, शहर से ही गांव जाते हैं सब, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो अपने घर पे ही अच्छा लगता है, दूसरे के घर पे नहीं। तो मैंने बोला कि हमका चलो अपना ध्यान देना, और पति देव तो थे नहीं कि यूवी को छोड़ते स्टेशन, तो यूवी भाई बोल रहे कि भाभी हम जा रहे हैं, हमका ठीक है, ये होते तो स्टेशन वगैरह छोड़ देते हैं, तो चलो कोई नहीं। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि कल धनतेरस है और धनतेरस की भी हमें तैयारी करनी है, और
बहुत कुछ अपने घर के लिए चेंजिंग भी करना है। मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, मैंने सोचा था पेंट वगैरह कराने के लिए, पर पति देव बोल रहे हैं कि बहुत, बताएंगे नहीं कब होने वाला है, लेकिन हाँ बहुत जल्द हमारा घर खुद का होने वाला है, हम लोग लेने वाले हैं। अगर हम बता देंगे कि हम कब ले रहे हैं तो सारे एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हम अभी नहीं बताना चाहते हैं। जब होता है ना सब कुछ फाइनल हो जाओ तब बताओ, वरना आप लोग भी बोलोगे यार लेना देना कुछ है नहीं, बस हाँ बोलती जा रही बोलती जा रही। क्योंकि एक दो लोग का ऐसा कमेंट आया था ना, तो जैसे होता है मनोबल गिर जाता है ना, तो इसलिए सोचते हैं कि जब हो जाएगा तब बताएंगे दिखाएंगे सब कुछ। तो इसीलिए बोल रहे हैं, बहुत सारी तैयारी करनी थी हमें, और इसलिए हम घर वर पेंट कराया नहीं। जितना हो सकता है हम घर सजाने के लिए सब कुछ लाए हैं, जैसे जैसे वो क्या बोलते हैं उसका क्या नाम है, लड़ियाँ, जैसे लड़ियाँ हो गया, दिया हो गया, झालर वगैरह, ये सब मैंने ले लिया है। क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है कि आप यूज करके एक बार रख सकते हो, ले जा सकते हो, पर पेंट करा लेंगे इसमें 10-20 हज़ार लग जाएगा, उसको हम लेके जा नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा हमने कहा चलो अभी तो देखने लायक है, पेंट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, अभी सब चल सकता है, तो चलो छोड़ो जाने दो, फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आगे बहुत पैसे का काम है, शादी भी है, घर द्वार भी लेना है भैया, तो जितना हो सके रखो। और मैं मार्केट जाती हूँ तो गाइस मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ, जब भी लेती हूँ मुझे बोझ होता है ना, एक शौक में इंसान सामान खरीदता है कि हाँ ये शौक है मेरा, तो हम शौक में नहीं खरीदते, हमें किसी चीज़ का शौक नहीं है, जो है तो वो हम उसको मार के रखे हैं। तो हम जो ज़रूरी होता है ना, बोलते हैं ना अपने कमाई से इंसान, शौक तो पापा के पैसे से पूरा होता था, अपने कमाई से तो बस ज़रूरत पूरा होता है। तो बस समझ लीजिए ज़रूरत पूरा हो जाए उतना ही बहुत है। तो जो हमारे घर में ज़रूरी सामान था वो हमने लिया, जैसे कि टॉवेल लिया है, और बाबू के ठंड के लिए एक दो टी शर्ट वगैरह, हाई नेक नहीं था तो हमने वो लिया है। तो चलो इस ब्लॉग में इतना बता दिए, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे गाइस। ये वाला ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।